तो दोस्तों, अगर आपने अमेज़न या फ्लिपकार्ट शॉपिंग किया है या फिर कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग किया है, तो उस पर आपको जब आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, आपको मिल जाता है, तो आपके सामान के ऊपर एक स्टिकर चिपका होता है। बेसिकली उस पर लिखा होता है आपका नाम, आपका एड्रेस, साथ ही साथ उस पर एक बारकोड होता है, उसके नीचे लिखा होता है AWB बाकी के नंबर। तो बेसिकली आज वीडियो में इस बारे में बात करने वाले हैं कि वो AWB का मतलब क्या होता है, उस बारकोड में क्या क्या चीज़ें छुपी होती हैं जो हमें पता नहीं चलती हैं, उसके बाद जो भी आपके पैकेज पे जो कोड्स देखने को मिलते हैं उन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो बने स्पीड के साथ इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही से मिल पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो AWB होता है उसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, AWB मतलब होता है एयरवे बिल, ठीक है। उसके आगे जो नंबर लिखा होता है, बेसिकली वही नंबर आपके ऊपर वाला जो बारकोड होता है उसके ऊपर हमें देखने को मिलता है। यानी कि वो इसलिए दिया जाता है, जो भी कंपनी के एम्प्लॉई हो, जब उनको इस शिपमेंट को स्कैन करना पड़े तो बेसिकली वो नंबर इंटर करने के बजाय सिर्फ स्कैन करेंगे तो वो नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर फिट हो जाता है, उनको बार नंबर टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे में काम आपका काफ़ी तेज़ी से निकलने लगता है। और दोस्तों, जो आपका एयरवे बिल नंबर होता है, जो बारकोड होता है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, जैसे कि सेलर कौन है, डेस्टिनेशन कहाँ जाना है, किसको मिलना है, उसका एड्रेस क्या है, ठीक है, उसका नाम क्या है, प्रोडक्ट किस चीज़ का है, फिर प्रोडक्ट का नाम, उसका प्राइस, फिर उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत कि क्या चीज़ है, कैसे वो चीज़ें, कोई डेंजरस चीज़ नहीं है। यानी कि A to Z इन्फॉर्मेशन आपको उस कोड में, उस एयरवे बिल नंबर में देखने को मिल जाता है। और दोस्तों, जो आपका एयरवे बिल नंबर होता है, जो बारकोड होता है, वो शिपमेंट को प्रोसेसिंग करने के लिए काम में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, मान लो कि कोई शिपमेंट कहीं से चला, ठीक है, अब आगे उसको भेजना है, तो बेसिकली कैसे पता चलेगा कि उस शिपमेंट को कहाँ से कहाँ तक जाना है, तो बेसिकली उसी बारकोड को वो स्कैन करते हैं जो एम्प्लॉई लोग होते हैं, उस बाद वो पता इजिली कर लेते हैं कि इस शिपमेंट को आगे कहाँ भेजना है। और दोस्तों, वैसे तो इस अवेलेबल नंबर में, इस बारकोड में हर चीज़ अवेलेबल होती है, शिपमेंट क्या प्राइस है जो मैंने अभी बताया, लेकिन ये चीज़ हर किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है जिसको सिर्फ यही पता करना है कि शिपमेंट को होल्ड करना है कि आगे भेजना है, इस शिपमेंट को कहाँ मूव करना है, तो बेसिकली उतनी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जाती है। सारी इन्फॉर्मेशन हर किसी को प्रोवाइड नहीं की जाती है। यानी कि दोस्तों, आप एक तरह से बोल सकते हो कि वो जो एयरवे बिल नंबर होता है, जो आपका बारकोड होता है, वो कंपनी के एम्प्लॉई के लिए एक ट्रैकिंग का काम करता है कि शिपमेंट को कैसे प्रोसेस किया जाए। ओके, तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे पास एक शिपमेंट का स्टिकर है जिसपे सारी चीज़ें मेंशन है। जैसे मैंने बताया था, यहाँ पे लिखा है AWB यानी एयरवे बिल नंबर, यहाँ पे नंबर दिया गया है। सेम चीज़ आपका बारकोड में देखने को मिलता है। यानी कि अगर कंपनी के एम्प्लॉई इसे स्कैन करते हैं तो उनको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि इसका एयरवे बिल नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है सेलर का नाम, बाकी चीज इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। इसके बाद सबसे नीचे आप देखोगे यहाँ पे लिखा है कुछ कोड, जैसे ZNVF ODVP NCRU ऐसे लिखा हुआ है। तो जो पहला है ZNVF, बेसिकली सोर्स है, कहाँ से शिपमेंट चला है, ठीक है, और जो लास्ट है BRS, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है, कि शिपमेंट कहाँ तक पहुँचना चाहिए। जैसे कि आप बीच में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है BRSD, यहाँ पे लिखा है डिलीवरी स्टेशन, ठीक है, वही चीज़ है लास्ट का डेस्टिनेशन। और बाकी का जो चीज़ है, ये वो चीज़ दिखाता है कि शिपमेंट कहाँ कहाँ आपका ट्रैवल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोलकाता से कहीं और गया, फिर मान लो दिल्ली से कोलकाता गया, कोलकाता से पटना गया, ऐसे करके सारी चीज़ें पे मेंशन की गई है। तो गाइस, ये सारी चीज़ें होती हैं आपके एयरवे बिल नंबर में, आपको उस बारकोड में, बाकी चीज़ों नीचे मैंने आपको बताया, वो भी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। तो गाइस, अब आपको पता चल गया, जब भी आप किसी शिपमेंट का स्टिकर देखोगे, लेबल देखोगे, उस पर जो भी चीज़ प्रिंट होती हैं, तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि उन चीज़ों में क्या हो सकता है, वो चीज़ें कैसे काम करती है। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। और अभी भी कोई चीज़ मिस हो रही है मुझे तो आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगा कि आप उस मिस को दूर कर दूँ, फिर वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो बस आज के इतना ही। उम्मीद दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, अगर कोई सवाल हो तो चेक में कमेंट कीजिए, फिर रिप्लाई जरूर करूँगा। चाहते हैं किसी खास को वीडियो देखना तो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके टॉपिक वीडियो जरूर बनाऊँ। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं आपके हमेशा ऐसे इंटरेस्ट में लेकर आते रहता हूँ। तो लाइक करते हैं दोस्तों, मैं सुनता हूँ वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।